हे गाइस, वेलकम बैक टू रजनी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्टली हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के मीनिंग की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें पीपल्स की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ को इनलार्ज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उनके दायरे को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो अपने जीवन की जो वेलबींग है उनमें इम्प्रूव कर सकें। अब वो कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ को इंक्रीज़ करके। तो जब वो उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ के लिए जो बेस होती है यानी एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, तो वो सभी किस में आएंगी? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जब भी हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं हम उसको डेवलपमेंट या ग्रोथ कह देते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जैसा कि हम देख सकते हैं 2 इमेजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट इमेज है जो ग्रोथ को शो कर रही है। अब वो कैसे? इसमें हम देख रहे हैं कि एक चाइल्ड से लेकर वो धीरे धीरे अपनी एज उसकी बढ़ रही है कि वो ओल्ड एज तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है? जो उसकी एज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एज बढ़ रही है, वही क्या है? ग्रोथ है। ये नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड इमेज हमें शो करती है कि जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग क्या कर अपने टैलेंट, सक्सेस, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता है और जो उसकी एक्सेस को शो करता है और साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ इंक्रीजन को शो करता है, वही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रॉपरली डिफ्रेंशिएशन को देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको शो करता है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो उन डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे देख सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है उसमें क्वांटिटेटिव यानी कि इसमें हम बता सकते हैं नंबर्स का चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं यानी कि क्वालिटीज़ में चेंजेस आते हैं। ग्रोथ वैल्यू नेचुरल होती है, जिनको हम फर्स्ट इमेज में हमने बात की थी कि एक जो बच्चे की एज बढ़ रही है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस में जो वर्क होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, जबकि डेवलपमेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि जब तक हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते तब तक कि क्वालिटीज़ में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते। ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को शो करती है। कैसे? जब अगर पॉजिटिव ग्रोथ हम किसको कहेंगे? जब इंक्रीजन को शो करते हैं, और जब डिक्रीजन को शो करते हैं तो हम उसको नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट हमेशा उसमें पॉजिटिव चेंजेस ही आते हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हम और अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिसमें एक सिटी की पॉपुलेशन 2010 में जो 5 लाख बताई गई है, जो कि 11 में कितनी होगी? 10 लाख हो गई। तो 5 लाख to 10 लाख यानी नंबर में जो चेंजेस आए हैं उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सिटी। वो ग्रोथ को शो कर रही है, बट साथ में जब उसी पॉपुलेशन को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक हाउसिंग, वाटर, पावर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये भी प्रोवाइड की जाती है, इनमें भी जब इम्प्रूवमेंट दिया जाता है, उस पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। 1990s के दशक से पहले किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को इकोनॉमिक ग्रोथ से मेज़र किया जाता था। मीनिंग यह है कि जिस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग थी उन्हें ही वेल डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता था, जबकि जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस वीक थी उन्हें पुअर कंट्रीज़ और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ कहा गया। बट ये मेजरमेंट ट्रू नेचुरल डेवलपमेंट को शो नहीं करता था। 1990s के बाद जो डेवलपमेंट के मेजरमेंट जो किया गया वो किस बेस पे किया गया? पीपल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्रीडम, जिसको कि वो इंजॉय कर सके, ऐसे जीवन से लिया जाने लगा। और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स भी दिए गए। फॉलोइंग 3 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट इज लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ, एंड द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इट मस्ट बी ए लाइफ विद सम पर्पज़। दिस मीन्स दैट द पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, participates in society and be free to achieve their goals. And the second one is attaining ability to gain knowledge and opportunities. Knowledge जिसे कि वो education से gain कर सकता है, तो वो अपनी knowledge को increase करे, and opportunities जो उसको benefits लेना है, opportunities जो उसको provide की गई उनसे वो benefits भी ले सकते हैं ताकि वो अपने life के goals को achieve कर सके। And the third is to be able to live a decent life, फ्रीडम दे इंजॉय। in last we says that the basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful life. And the key areas of human development is access to resources, health and education. It is important that people enlarge their choices और ये health, education and access to resources की तक की जो capabilities हैं उनको gain करके ही हो सकती हैं. Because if people do not have capabilities in these areas, their choices also get limited. जिसको हम अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जिसमें एक अनएजुकेटेड चाइल्ड कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, यानी कि उसके पास चॉइस नहीं है डॉक्टर बनने की. अब वो क्यों है? क्योंकि उसकी चॉइस वो लिमिटेड हो गई है. किसके कारण? लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ थी उसको उसने गेन नहीं किया, तो उसके कारण वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता. लास्टली हम इससे क्या समझ सकते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये की एरियाज दिए जाते हैं जो बेसिक चॉइसेस को तय करने की कैपेबिलिटी और फ्रीडम देते हैं. बट बावजूद इनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेसिक चॉइसेस को तय करने की जो कैपेबिलिटी होती है और जो फ्रीडम होती है उनको वो नहीं मिल पाती है. अब उसके कारण होते हैं कि वो उस कैपेबिलिटी और फ्रीडम को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उसके कारण है इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, कि उनको जो कम्प्लीटली नॉलेज के लिए जो एक्वायरमेंट होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है. अब नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए? उनके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इकोनॉमिक उनका स्टेटस ठीक होना चाहिए, अब एबिलिटीज़ होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए उनके पास, कम्युनिकेशन सेंटर्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, तभी वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं. बट ये जब उनके पास जब ये बेसिक चॉइसेस नहीं हो पाती तो वो नॉलेज को गेन नहीं कर पाते, जैसा कि हमें मिडल जो इमेज है उससे पता चल रहा है. लास्ट जो इमेज है वो मटेरियल पावर्टी को शो कर रही है, यानी कि जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे वाटर उनकी बेसिक नीड्स है, हाउसिंग है, फूड, उनकी सब फूड सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए. जब वही बच्चों को अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है या उन लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है तो वो अपनी नॉलेज को और जो उनकी बेसिक जो चॉइसेस हैं उनको वो गेन नहीं कर पाते हैं. सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव के कारण भी लोग अपनी चॉइसेस को कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. उसमें कई कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी जाति धर्म हो सकता है, कोई सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं. इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि इंस्टीट्यूशंस की अक्षमता के कारण और अदर रीजंस के कारण भी जो वो अपनी फ्रीडम है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो बेसिक चॉइसेस हैं उनको कम्प्लीटली गेन नहीं कर पाते हैं. अब इंस्टीट्यूशंस की हम इसमें कैसे बात कर सकते हैं? रूरल एरियाज़ का हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पीपल्स रूरल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की कमी है, या जो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि जिनकी उनको ज़रूरत है. अब वो इस टाइप की जो भी उनकी चॉइसेस होती हैं या जिस नॉलेज को वो चाहते हैं तो उसके लिए वो माइग्रेशन करते हैं रूरल टू अर्बन एरियाज़ में. बट जब इंस्टीट्यूशंस की इनएफिशिएंसी है कि वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पर माइग्रेशन भी नहीं कर पाते क्योंकि वो रिच पॉपुलेशन में नहीं आते हैं, जब उनके पास इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा नहीं है तो वो उस चॉइसेस को भी स्किप कर देते हैं. तो ये कुछ कारण हैं कि सब कुछ होते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज़ होते हुए भी, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स का पता होते हुए भी वो अपने बेसिक चॉइसेस को कम्प्लीटली गेन नहीं कर पाते हैं. एंड दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइव्स, being able to get educated or to have the means to live a decent life. And now we discussed about HDI, Human Development Index. फर्स्ट टाइम जो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई वो 1980s के जो दशक के लास्ट में और 1990s के फर्स्ट में एशिया के 2 ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए, जिनमें से एक थे डॉक्टर महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे. एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उनको जो क्रिएट किया था वो महबूबुल हक ने किया था इन 1990s में. अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उन्होंने जो एम्फेसाइज किया डेवलपमेंट के लिए, जो डेवलपमेंट के मीज़रमेंट के लिए जो उन्होंने फॉर्मूलाज दिए कि हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मीज़र कर सकते हैं और कैसे हम HDI को निकाल सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि पीपल आर द सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट, कि सभी डेवलपमेंट का जो सेंटर पॉइंट है वो पीपल्स ही हैं. एंड दे क्रिएट, कि वो पीपल्स ही उन कंडीशंस को क्रिएट करते हैं कि जिनमें वो अपने एक मीनिंगफुल लाइफ को जी सकें, यानी कि उनके जीवन सार्थक हो, लिविंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो, उनके अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको। वो सभी विकल्पों को साबित करने के लिए उन सभी कंडीशंस के लिए जिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इसके लिए उन्होंने कहा डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विद डिग्निटी। एंड द अदर वाज नोबेल लॉरिएट डॉक्टर अमर्त्य सेन ऑफ इंडिया, और जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया था डेवलपमेंट का वो था इंक्रीज इन फ्रीडम, कि इनके अकॉर्डिंग जो पीपल्स को फ्रीडम दी जानी चाहिए जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। और जो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया वो क्या रोल ऑफ सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर, कि अपने फ्रीडम के लिए जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वही प्रोसेस ही फ्रीडम की इंक्रीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 1998 में इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज़ दिया गया और 1999 में भारत रत्न दिया गया इनके वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, जो इन्होंने वेलफेयर में जो वर्क किए थे इसके लिए। और जर्मन पब्लिशर्स और बुक सेलर्स एसोसिएशन ने इनको 2020 में पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड से दिया गया। वो इनको जस्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए दिया गया था। की एरियाज ऑफ वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि इसके 3 की एरियाज होते हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो हेल्थ का जो मेजरमेंट किया जाता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी बर्थ के टाइम पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे लिया जाता है। इट मीन्स पीपल हैव मोर चांस ऑफ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, कि उसी के बेस पर हेल्थ को मेजर करके HDI रैंक को शो करते हैं। एंड द सेकेंड इज एजुकेशन। एजुकेशन में हम 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं, वो क्या होती है अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। अब अडल्ट लिटरेसी का मीन्स क्या होता है हु आर एबल टू रीड एंड राइट, उसको हम क्या कहेंगे लिटरेट पर्सन। तो उसमें तो हम निकाल लेते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट। सेकंड होती है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, इसमें होता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में इनरोलमेंट लिया, यानी इनरोल्ड हुए थे वो स्कूल में। तो अब जो जो एजुकेशन है वो किस बेस पे शो करते हैं हम, कि इनरोलमेंट वाले कितने बच्चे थे और अडल्ट लिटरेसी रेट की जो संख्या है, दोनों की संख्या से ही जो किसी भी देश के एजुकेशन को शो करते हैं। यही किसी देश की एक्सेस टू नॉलेज, कि कहाँ उस देश की एक्सेस टू नॉलेज कितनी आसान है या मुश्किल है उसको शो करते हैं। एंड थर्ड इज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज को मेज़र किया जाता है वो परचेजिंग पावर से, जिसको हम US डॉलर से मेज़र कर सकते हैं। HDI में तीनों एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज को इक्वल वेटेज दी गई है 1/3, और किसी भी देश का HDI इन तीनों के सम से ही निकाला जाता है। जैसा कि इस इमेज में शो हो रहा है कि जो फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हेल्थ के लिए शो कर रही है, और सेकंड इमेज है वो एवरेज एजुकेशन लेवल यानी कि एजुकेशन को दिखा रही है, और थर्ड है वो एक्सेस टू रिसोर्सेज को शो कर रही है जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया है, जिसको हम US डॉलर से मेज़र कर सकते हैं। मीजरिंग वुमेन डेवलपमेंट। वुमेन डेवलपमेंट का मेजर जिस टर्म में किया जाता है उसको हम वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI कहते हैं। अब जो HDI जो रैंकिंग शो करते हैं किसी भी कंट्री का, वो स्कोर होता है 0 और 1 के बीच का। तो जब स्कोर 1 के जितना क्लोज होता है तो उसको हम कहते हैं वुमेन डेवलपमेंट का हाईएस्ट लेवल। तो जब स्कोर होता है 0.983 तो उसका मतलब होता है कि वो उस कंट्री के हाईएस्ट वुमेन डेवलपमेंट को शो कर रहा है, और जब स्कोर 0.268 होता है तो उसका मतलब होता है कि वो लो लेवल को, ह्यूमन डेवलपमेंट के लो लेवल को शो कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट की अटेनमेंट्स एंड शॉर्टफॉल को मेज़र किया जाता है। अब अटेनमेंट्स किन को कहा जाता है, इंडिकेशन वो होते हैं जो HDI में जो की एरियाज होते हैं उनसे जो अचीव किया जाता है, उन अचीवमेंट को हम क्या कहते हैं अटेनमेंट्स। शॉर्टफॉल किन्हें कहते हैं, वो मेज़रमेंट जो वुमेन डेवलपमेंट की कमियों को दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्टफॉल। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP वुमेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जो फर्स्ट टाइम 1990 से स्टार्ट की गई, और ये जब से उसके बाद में जो भी इसकी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स हैं उनकी एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसके 2 इंडिकेशंस हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड HPI ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। HDI इसके अटेनमेंट्स को, जो कि इसके की एरियाज से कौन कौन से अटेनमेंट्स जो अचीव की जाती हैं, अचीवमेंट्स को शो करते हैं। HPI जो शॉर्टफॉल्स होते हैं, इनकी जो कमियां होती हैं उनको दिखाते हैं। HPI HDI से ज़्यादा जो कमियां होती हैं उनको प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों से जो रिपोर्ट दी जाती है उसे रैंक वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाता है। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स एक नॉन इनकम मेजरमेंट होती है, इसमें कोई भी मेजरमेंट जो इनकम लेवल पे नहीं की जाती। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, यानी कि जो इसमें क्या कमियां क्या दिखा रहे हैं कि जो 40 ईयर्स की एज तक जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उनकी जो शो किया जाता है वो इसी में आते हैं। एंड द अडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ टू क्लीन वाटर, एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट आर ऑल टेकन इन टू द अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। तो इस टाइप की जो भी कमियां होती है वो किस में दिखाई देती है हमें, HPI में। HPI उनको रिप्रेजेंट करता है। So lastly we says that the both of these measures of human development together gives an accurate picture of the human development situation in a country.